तो देखिए ये ऐसे हमने बॉर्डर बनाए हैं क्रोशे हुक से। तो इसके लिए जो क्रोशे हुक है, इसके लिए जो थ्रेड यूज़ की है, मैंने यूज़ की है एंकर की पर्ल कॉटन। इसका MRP 35 रुपीज़ है। और एंकर की जो पर्ल कॉटन है, ये जो पतली वाली है, और ये जो कॉटन जो थ्रेड है ये और शायद बड़े में भी आती है। ये मेरे पास 10 ग्राम का ये है, 10 ग्राम का गोला है, तो ये इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। तो ये जो इससे हम बॉर्डर बनाएंगे। और जो ये कान्हा जी का शॉल, बेडशीट, चादर या कंबल बना सकते हैं ऐसे। देखिए ये मैंने अपने कान्हा जी का बेडशीट बनाया है। तो ये जो देखिए ये जो कपड़ा है जो मैंने क्लॉथ यूज़ किया है इसके लिए, ये जो वुलन टाइप के क्लॉथ होते हैं ना, जो सर्दियों में जैसे हम सर्दियों के सूट बनाते हैं, तो ये मेरी मम्मी का सूट था। तो जैसे सूट था तो उसमें थोड़ा बहुत कपड़ा बच ही जाता है, तो फिर मैंने जो टेलर भैया हैं उनसे मैंने कहा था जो बच जाएगा तो मुझे दे देना। तो ये कोरा कपड़ा होता है और ये कपड़ा अच्छा भी था, मतलब थोड़ा गर्म भी होता है। आप इसको कान्हा जी का सर्दियों में बेडशीट वगैरह भी आप इसकी बना सकते हैं और कंबल भी बना सकते हैं हल्की सर्दियों के लिए। तो ऐसे, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में ठंड तो पड़ती है और मोस्टली लेडीज़ जो है सूट वगैरह गर्म सिलवाती हैं, तो उसमें कपड़ा बचता ही है कि इतना हम कान्हा जी के लिए बेडशीट बना लें, चादर बना लें। तो इस हिसाब से आप बना सकते हैं। और आप वैसे भी ख़रीद सकते हैं, जैसे साटिन का कपड़ा हो गया, शनील का कपड़ा जो होता है, वेलवेट का, वेलवेट के कपड़े से भी बना सकते हैं। उसका भी मैंने बनाया है, तो वो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी, अभी मेरे पास है नहीं, वो मैंने रखा हुआ है। तो देखिए ऐसे मेरे पास ये कपड़ा ज़्यादा था तो काफ़ी पीसेस बच गए। तो हम ये बनाएंगे कैसे, देखिए पहले तो कपड़े को बराबर कट कर लीजिए। तो मैंने देखिए, आप इससे ना अपने जो आपके विग्रह होते हैं घर में जैसे, उनका आसन भी बना सकते हैं। तो इसमें थोड़ा ये वूलन टच भी होता है। तो ये देखिए अलग अलग साइज़ के काट के, जैसे हम कट करके जैसे हमारे पास आसन होता है, आसन के ऊपर भी आप इसे बिछा सकते हैं और इसकी किनारे ऐसे बना लें तो बहुत सुंदर लगता है। आप घर में फ्री बैठे रहते हैं तो टाइम पास भी अच्छा हो जाता है। तो ये वाले थ्रेड हैं, आप आपके लोकल मार्केट या आपके पास कोई और थ्रेड भी अवेलेबल हो कॉटन का ऐसा, तो आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा पतला थ्रेड है और एंकर का थ्रेड तो कहीं भी मिल जाता है इजीली। और देखिए इसके लिए जो है क्रोशिया जो हुक है, ये जो है 1 mm की यूज़ कर सकते हैं आप, 1 mm की हो गई और 0.85 mm की हो गई, किसी भी साइज़ में आप पतली जो होती है, देखिए इनके टिप जो है ये इजीली मिल जाती है मार्केट में। इस थ्रेड में आप 1 mm की भी यूज़ कर सकते हैं और 6.5 की भी, 0.85 की भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी मार्केट में इजीली मिल जाती हैं क्रोशे हुक। तो सबसे पहले हम देखिए, तो ऐसे आप बॉर्डर बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और जो ये बॉर्डर है ना, आप अपने सूट में भी लेस की तरह बना सकते हैं इसे, सूट की बाजू में, सूट के किनारियों में, या आपका जो दुपट्टा है, चुन्नी है, उसके किनारियों में भी बना सकते हैं। तो बनाते हैं इसे, शॉल की किनारियों में भी बना सकते हैं आप। इसके मल्टीपल यूजेस इसके हैं आप, और आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये बहुत ही सुंदर लगता है। जब मैंने इसे बनाया तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये मैंने भी इसको मैंने किसी का देखा था, उन्होंने अपने कान्हा जी के लिए बनाया हुआ था, तो मैंने भी उनसे देख के बनाया तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि आप लोग के साथ भी शेयर करना चाहिए। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि मैंने कौन सा कपड़ा यूज़ किया है, इसे कैसे लिया है। शायद लेक्चर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए मैं आपको ये छोटी पीस में बता रही हूँ। तो हमारे पास जो है, हम इसको कट कर लेंगे। अगर आपके पास मशीन है तो आप मशीन से भी इसकी किनारी फोल्ड कर सकते हैं, नहीं तो आप हाथ से भी फोल्ड कर सकते हैं। देखिए या तो इसमें कच्चा टाका कर सकते हैं या तुरपाई भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत पतला फोल्ड करना है, मतलब देखिए ऐसे पतला, या तुरपाई भी कर सकते हैं, कच्चा टाका भी कर सकते हैं। और ये जो नॉर्मल जो रील वाला धागा होता है ना, रील वाली, तुरपाई वाली सुई और रील वाला धागा, तो ऐसे है। इसके जो थ्रेड हैं थोड़े ज़्यादा निकल रहे हैं इस कपड़े के, बट कोई नहीं। तो ये देखिए यहाँ से हम इसको थोड़ा थोड़ा दबाते हुए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमें इसके नीचे क्रोशे हुक से काम करना है, क्योंकि डबल कपड़े में क्रोशे हुक को चलाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसको थोड़ा पतला दबा रहे हैं। पतला, या तो आप कच्चा टाका भी कर सकते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये थोड़ा मोटा कपड़ा होता है, थोड़ा वुलन टाइप होता है। आप इसे किसी भी कपड़े में बना सकते हैं, कॉटन में, साटन में, किसी भी में बना सकते हैं। तो ऐसे फोल्ड करके आप इसे पहले बहुत पतली लेयर हमें इसको स्टिच करना, जिससे हमारे थ्रेड ना निकले। ऐसे हम इसको चारों कोनों को स्टिच कर लेंगे, ठीक है, चारों कोनों को हम स्टिच कर लेंगे ऐसे। तो देखिए हमने इसको चारों तरफ से हमने इसे स्टिच कर लिया है। कच्चे टाक या तुरपाई से आप इसे कर लेंगे स्टिच, जिससे थ्रेड नहीं निकलेगा। अब हमने ये पतला, इसलिए हमने ये पतली ये कपड़े को दबाया है क्योंकि हमें क्रोशिया हुक हम डबल कपड़े में नहीं करेंगे, सिंगल में करेंगे, क्योंकि डबल में मुश्किल हो जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे पतली लेयर बनाई है ना, देखिए, तो यहाँ से नीचे से लिया है जहाँ पे सिंगल कपड़ा, यहाँ से अपनी स्टिच को उठाया है और इस सीधी साइड से ऐसे। तो अब हम यहाँ पे देखिए इसके नीचे है ना, ये जो कपड़ा दबाया इसके नीचे वाली जगह से हम क्रोशिया हुक को डालेंगे। तो यहाँ से देखिए किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाई और क्रोशिया हुक तो 1 mm चाहे 0.85 या 0.65, आप कोई सी भी क्रोशिया हुक यूज़ कर सकते हैं, पतली वाली 1 mm तक, 1.25 mm भी हो तो भी, क्योंकि हमारे पास इसकी टिप पतली होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हम कॉर्नर से लेंगे, ये देखिए बैक साइड में जो है ये कपड़ा नहीं दबाया हमने डबल वाला, सिंगल जो इसके नीचे है ये वाली सिंगल लेयर है। तो अटैच करने के लिए स्लिप नॉट बनाएंगे और इसको ले लेंगे क्रोशिया हुक में। बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। बस इस वीडियो में मैंने थोड़ा लेक्चर ज़्यादा दे दिया है, शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। अटैच करेंगे स्लिप नॉट को लेके, फिर इसके बाद यहाँ से देखिए सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सेम जगह पे एक सिंगल क्रोशिया करा। अब देखिए जो हम यहाँ से जो है नेक्स्ट, ये देखिए हमने कपड़ा नहीं, ये वाला कपड़ा छोड़ के इसके नीचे वाली जो सिंगल कपड़ा है उसमें काम किया है, लूप लिया। इसमें देखिए आधा इतना तक हम छोड़ देंगे इसमें। अब हम एक ही पॉइंट, एक पॉइंट लिया, डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक सेम पॉइंट पे 2, 3, 4, 5, 6, सेम पॉइंट पे 7 और ये 8। सेम जगह से ही हमने उठाना है। 8 डबल क्रोशिया बनाए ऐसे। फिर देखिए इतने डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये देखिए सिंगल क्रोशिया किया। एक बार हम 8 डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार सिंगल क्रोशिया। बैक साइड से हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा जो हमने कपड़ा दबाया हुआ है, स्टिच किया हुआ है, इसके नीचे से लेना है, ठीक है। इसके बाद लूप लिया। अब अगली वाला 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। एक सेम पॉइंट पे 2, होप आपको अच्छे से दिख रहा हो, 4, 5, 6, 7 और ये 8। 8 डबल क्रोशिया हो गए। इसके बाद यहाँ पर लगभग आधा इंच ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इतने इतने गैप पर ऐसे। फिर इसके बाद नेक्स्ट इस पे देखिए, आप बनाते जाएंगे तो अपने आप अंदाज़ा आता जाएगा आपको। आधा इंच के लगभग, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। 8 डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया 3। तो ऐसे ये बनाते जाएंगे। देखिए जो ये लेयर है ना ऐसे। तो देखिए जैसे ये हमारा जो स्टिच है, हमने गैप जो लिया है आधे इंच से थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। ये देखिए 1 इंच में 2 स्टिच आ गए, आधा इंच से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। जब आप बनाते जाएंगे अपने हिसाब से आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो अब इसे बनाते जाते हैं। तो देखिए ऐसे ये बनता जाएगा। 8 डबल क्रोशे बनाएंगे एक ही पॉइंट पर, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। सेम पॉइंट पे 8 डबल क्रोशे बनाए, फिर आधे इंच से थोड़ा कम ज़्यादा यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये थोड़ा गर्म कपड़ा है तो इसके धागे भी थोड़ा खींचने का डर रहता है, तो ध्यान से। तो ऐसे ये लेयर मतलब ये जो लेस है पूरा बनाते जाएंगे पूरी ये कॉर्नर में, पूरे साइड में, ऐसे चारों साइड में बनाएंगे। तो देखिए हमने पूरी रो कंप्लीट करी, पूरी लाइन बना ली। कॉर्नर में देखिए, कॉर्नर में हमारे पास ये 8 डबल क्रोशे आए, फिर सिंगल क्रोशे आया। तो कॉर्नर में हमने जैसे ये कॉर्नर बनाए हैं ना, तो यहाँ पे हमने ये डबल क्रोशे रखे हैं। तो ये देखिए सभी कॉर्नर्स पे डबल क्रोशे रखे हैं। तो ये देखिए, तो अब हमारे पास अगर सपोज़ यहाँ पे ऐसे आ गया सिंगल क्रोशे आ गया, क्योंकि स्पेस हम एग्जैक्ट थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो ही जाता है, तो भी हम यहाँ पे देखिए कॉर्नर में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। सिंगल क्रोशे बना लिया, इसके बाद यहीं कहीं एडजस्ट करके ऐसे 8 डबल क्रोशे बना लेंगे। ऐसे कॉर्नर्स को एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि कॉर्नर में हम डबल क्रोशे बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेंगे। 3 थोड़े ज़्यादा भी बना सकते हैं, अगर कॉर्नर को पूरा कवर करना है तो 8 से ज़्यादा 9 10 भी बना सकते हैं। 3 4 देखिए, तो ऐसे आप कॉर्नर्स भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, क्योंकि हम जहाँ पे बना रहे हैं तो सिंगल क्रोशे के बाद बनाइए ऐसे, अगर कॉर्नर में सिंगल क्रोशे आ गया है तो ऐसे थोड़ी ज़्यादा स्टिचेस बना लिए, 8 की जगह 9 10 बना लीजिए, जिससे पूरा कॉर्नर कवर हो जाए। ऐसे ये देखिए बन गया। इसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए नेक्स्ट जो ये रो बना रहे हैं हम, लाइन बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट आधा इंच या उससे थोड़ा कम ज़्यादा, फिर 8 डबल क्रोशे। तो ये देखिए अब ऐसे इसको बनाते जाएंगे। कॉर्नर भी बन गया, ये देखिए। तो देखिए ये रो भी हमने बना ली। अब कॉर्नर में देखिए, कॉर्नर में ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको एक जैसा ही पैटर्न मिलेगा, क्योंकि हम एक अंदाजे से बना रहे हैं स्टिचेस। तो अब देखिए यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे बनाए, तो अब कॉर्नर में यहाँ पे हम ये 8 डबल क्रोशे बनाएंगे। एक ऐसे 8 डबल क्रोशे आप चाहें यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट करने के लिए बढ़ा भी सकते हैं, 8 से ज़्यादा, जैसे हमने इस वाले कॉर्नर में बनाए थे 8 से ज़्यादा। तो ऐसे ही ये एडजस्ट कर सकते हैं। आप खुद भी घर में स्टिच करते हैं सूट, तो उनके पीसेस बच ही जाते हैं, तो उसके लिए आप जैसे न्यू कपड़े होते हैं ना, तो वो आप आसन बनाने के लिए अपने जो मंदिर के छोटे छोटे विग्रह के लिए आसन बनाने के लिए या फिर ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे कवर अप कर लेंगे इसको, जो एक कॉर्नर है। तो ऐसे ये देखिए ऐसे। इसके बाद नेक्स्ट, फिर इसके बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशे, अगला कॉर्नर, अगली साइड जो आ गई है सिंगल क्रोशे। तो इसके बाद फिर नेक्स्ट 8 डबल क्रोशे। तो ऐसे ही बनाएंगे, ये देखिए। तो बस अब इसको ऐसे पूरे 4 कॉर्नर्स पे, चारों कोनों में हम बना लेंगे। ये देखिए 2 में बन गया, दो और पूरे कर लेते हैं। देखिए जो हमारे स्टिचेस की ये है लेंथ, ये देखिए जो हमने फोल्ड किया ना कपड़ा, उसी के कॉर्नर, उसी के टिप से स्टार्ट हुआ। देखिए यहीं से स्टार्ट हुए हैं स्टिचेस। होप अब आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी पैटर्न है। देखिए बैक साइड से ये है, जहाँ से हमने फोल्ड किया था यहीं से, ये देखिए उसी कॉर्नर से हमने अपना स्टिच उठाया है। सिंगल ये हमारा कपड़ा है यहाँ से। तो अब ये देखिए, तो हमने सारे कॉर्नर्स बना लिए। अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में हमने सिंगल क्रोशे बनाया था, इसके ऊपर जो चेन यहाँ पे स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे और एक चेन बनाएंगे और अपनी थ्रेड को जो है कट कर लेंगे। थोड़ा लंबा कट करेंगे जिससे हम इसे सुई क्रोशे की हेल्प से हाइड कर लेंगे लूप्स में डालते हुए। तो देखिए ये हमारा, हमने ये चारों इसके कॉर्नर्स को बना लिया। ये देखिए और ये बैक साइड से। अब हम इसमें दूसरे कलर की थ्रेड लगाएंगे। ये देखिए जैसे हमने ये बनाया है, तो इसके लिए हम कोई सी भी थ्रेड ले लीजिए, मतलब कोई सा भी कलर जो आपके पास हो। तो सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, किसी भी कॉर्नर से। थ्रेड को अटैच करने के लिए अब अपने पैटर्न को लेंगे। देखिए जो ये सिंगल क्रोशिया ना, इसके ऊपर जो चेन है, क्रोशिया को डालेंगे और अपनी स्लिप नॉट को ऐसे डालेंगे और एक चेन बना के अटैच कर लेंगे। और यहीं पर सेम जगह में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे ऐसे। ठीक है, सिंगल क्रोशिया बनाया, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया। अब लूप लिया या धागा लपेटा। जो ये 8 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर जो चेन है यहाँ पे हम, ये देखिए हाफ डबल क्रोशिया करेंगे सभी चेन्स के ऊपर। ऐसे लूप लिया, 3 लूप एक साथ निकाले, लूप लिया, 3 लूप एक साथ निकाले, लूप लिया, 3 लूप एक साथ निकाले। लूप लिया, ये देखिए ऐसे। सिंगल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर जो चेन है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे बना। अब 8 डबल क्रोशिया हैं, लूप लिया, इनके ऊपर जो चेन है हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 8 डबल क्रोशिया के ऊपर तो हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, जो सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। सिंगल क्रोशे है, इसके ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे ऐसे। ये देखिए, तो ऐसे ही पूरे पूरे जो है चारों कोनों में हम चारों उसमें बना लेंगे। लूप लिया, 8 डबल क्रोशे के ऊपर जो चेन है हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे और सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे। तो ये ऐसे पूरा बनाते जाएंगे। देखिए हमने ये ऐसे बनाया कॉर्नर्स। अब देखिए कॉर्नर पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे हम हाफ डबल क्रोशे सभी चेन्स में बना रहे हैं। तो आप, आपको बड़ा लगे चेन तो आप 2 भी बना सकते हैं, 2 भी बना सकते हैं कॉर्नर्स पे। देखिए वैसे तो सभी में, हर चेन में हम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। जो सिंगल क्रोशे है उसमें हम डबल क्रोशे बनाएंगे, सॉरी सिंगल क्रोशे के ऊपर भी सिंगल क्रोशे बनाएंगे और बाकी डबल क्रोशे के ऊपर हाफ डबल क्रोशे। देखिए अब धागा लिया, हाफ डबल क्रोशे बनाया, हाफ डबल क्रोशे बनाया। कॉर्नर्स में जो चेन में गैप ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे हम एक की जगह 2 भी बना सकते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। ये देखिए जैसे बड़ी चेन है यहाँ पे 1 और सेम चेन में 2 भी बना सकते हैं कॉर्नर वाले में। ये देखिए अब ये जो चेन है 1 और ये दो बना लिए यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें भी दो ही बना लेते हैं। तो ऐसे ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है वो ये क्रोशियो की हेल्प से हाइड कर लेंगे। अब ये देखिए जो लास्ट वाला है यहाँ पर भी हम बना लेते हैं सभी चेन्स में, क्योंकि हमारा यहाँ से हमने थ्रेड को अटैच किया था। सिंगल क्रोशे की जगह भी सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट सभी में हाफ डबल क्रोशे बना लेंगे ये ऐसे। तो ये देखिए ऐसे बना, बहुत इजी है ये। तो इसे पूरा बनाते हैं। तो अब ये हमारा पूरा बन गया। हमने चारों साइड में अपना ये लेस बना लिए, अपना पैटर्न बना लिया। अब ये जो स्टार्टिंग की जो चेन है हमारी फर्स्ट वाली, इसमें हम स्लिप स्टिच कर लेंगे टू द वेरी फर्स्ट चेन। इसमें हम स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बना के थ्रेड को कट कर लेंगे थोड़ा सा लंबा, जिससे हम इसे क्रोशे या सुई की हेल्प से हाइड कर सकें। सुई इज़ द बेटर ऑप्शन देन क्रोशे, क्योंकि अच्छी तरह से हम लूप्स में डाल लेंगे तो ये निकलेगा नहीं। और क्योंकि ये हमारी जो थ्रेड है बहुत पतली है, और हमने तो देखिए सुई है ना, सेम कलर की थ्रेड को सेम कलर की जो पैटर्न है उसमें डालेंगे। देखिए और जो बचा उसे कट कर लेंगे। तो ऐसे जितने भी थ्रेड्स हैं सभी को हम हाइड कर लेंगे। स्टार्टिंग वाली है इसको भी ऐसे ही। तो देखिए ये जितने भी थ्रेड थे हमने उसे हाइड कर लिया, ज़्यादा थ्रेड नहीं है इसमें। तो ये बैक साइड है, ये देखिए जहाँ से हमने ये तुरपाई की थी या कच्चा टाका, वहीं से हमने नीचे वाले सिंगल जो ये कपड़ा है, क्लॉथ है, सिंगल जो क्लॉथ है उससे हमने बनाया है उस जगह से। देखिए और ये फ्रंट साइड है, इसको थोड़ा सा आप ऐसे इसको सेट भी कर सकते हैं। तो देखिए तो ये बहुत ही इजी है। और आपके पास ऐसे बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं, आप सूट सिलाते हैं या ख़ुद भी आप घर में स्टिच करते हैं तो उसमें ऐसे निकल जाते हैं। तो आप अपने मंदिर के लिए, आसन के लिए, अपने विग्रहों के आसन के लिए बना सकते हैं, गोपाल जी के लिए बना सकते हैं। तो ऐसे आप, और आपको ये गर्म कपड़े में चाहिए तो मैंने आपको जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि सूट में से जो बच जाते हैं, सूट कोरा होना चाहिए तभी हम इनको अपनी पूजा या मंदिर में यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे आप इससे अपना टेबल क्लॉथ वगैरह भी बना सकते हैं। जैसे हम बड़ा टेबल क्लॉथ बनाएंगे तो उसमें ऐसे बॉर्डर बना के, और ये बहुत ही इजी भी है और बहुत जल्दी भी बन जाता है। और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया, वैसे तो बहुत ही इजी है, इसमें स्टेप बाय स्टेप वाला ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद भी एक बार देख के ही बना लेंगे, थोड़ा भी क्रोशे जानते होंगे तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ये अपनी कान्हा जी के लिए बेडशीट, शॉल, चादर ऐसे कुछ भी बना सकते हैं, ब्लैंकेट वगैरह। तो थैंक यू।